हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्वैपिंग ऑफ दो नंबर, स्वैपिंग ऑफ दो नंबर विदाउट यूजिंग अर्थमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें हम जोड़ घटाव गुणा भाग जो पहले कर रहे थे स्वैपिंग में वो नहीं करेंगे, बिना अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज किए हम स्वैपिंग करेंगे। ठीक है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, हमको भी कुछ दिन पहले ही मालूम चला इसलिए बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बिना अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज किए हम स्वैप करेंगे दो नंबर का। कैसे करेंगे, वो परफॉर्म करेंगे वो देखिएगा। उससे पहले हम स्वैपिंग जो कर रहे थे पिछले जो हम तीन को मेथड देखे थे स्वैपिंग का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम क्या कर रहे थे, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो थर्ड वेरिएबल का यूज कैसे कर रहे थे, पहला कर रहे थे हम, मान लेते हैं ए बराबर हमको 5 है और बी बराबर 7 है। तो हम क्या कर रहे थे, ए में हम सी में ए का वैल्यू डाल देते थे, उसके बाद क्या कर रहे थे, उसमें हम बी में ए का वैल्यू डाल देते थे, उसके बाद क्या कर रहे थे, जो हमारा ए में है वो सी का वैल्यू डाल देते थे। ऐसे नहीं, ए में हम क्या कर रहे थे, ए में हम बी का वैल्यू डाल देते थे, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, बी में हम सी का वैल्यू डाल देते थे, ऐसे स्वैपिंग करते थे। ठीक है, ये मेथड वन था। मेथड टू का गया था, मेथड टू मेरा यूजिंग थर्ड वेरिएबल ही था, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें कर रहे थे ए प्लस बी और क्या कर रहे थे, सी बराबर हम कर रहे थे क्या, जब दोनों को सम करके ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा 12 आ गया, तो 12 मेरा आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे या फिर बी बराबर कर दीजिए, बी बराबर क्या, सी माइनस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर 12 माइनस 7, तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा 5 आ गया। अब ए बराबर हम क्या करेंगे, ए बराबर हम क्या करेंगे, सी माइनस ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 माइनस 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा 7। तो ये कि स्वैपिंग हो गया, ये मेथड टू में था। अब मेथड थ्री क्या था, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मतलब हम क्या कर रहे थे, ए बराबर हम कर रहे थे ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा 12 आ गया। अब हम क्या कर रहे थे, बी बराबर हम कर रहे थे क्या, बी बराबर हम कर रहे थे ए माइनस बी, तो यहाँ पे देखिएगा 12 माइनस 7, तो यहाँ पे आ गया मेरा 5 आ गया, स्वैप हो गया। अब ए बराबर हम क्या कर रहे थे, ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 माइनस 5, मतलब यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, ये में तीन मेथड हम क्या कर रहे थे, स्वैपिंग का डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ट्रिकी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो है मेरा हमको अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज नहीं करना है और बिना अर्थमेटिकल यूज किए हमको स्वैप करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे सोचेंगे कुछ तो यहाँ पे आपको आंसर निकल के आएगा, हमको यहाँ पे कौन सा, बिट वाइज ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम बिट वाइज ऑपरेटर का यूज करने वाले, बिट वाइज ऑपरेटर में भी कौन यूज करेंगे, यहाँ पे आप मेरे पास क्या है, और है बिट वाइज और, बिट वाइज एंड बिट वाइज एक्सोर, ये तीन ऑपरेटर है मेरे पास, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट वो भी है। अब जब तीनों का देखिएगा ना करके, तो आपको कुछ ऐसा लगेगा जो आपको हम और से नहीं कर सकते हैं, एंड से नहीं करते हैं, यहाँ पे हम एक्सोर का यूज करेंगे। ठीक है, एक्सोर का कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं सिंपल, उससे पहले हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको दो नंबर का करना है, तो यहाँ पे पहला नंबर मेरा क्या है, ए बराबर मेरा है 5 और बी बराबर मेरा है 7। तो हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे ए बराबर ए एक्सोर बी। अब ए एक्सोर बी करना है तो इसको हम कैलकुलेट करके के लिए देखेंगे, तो कैलकुलेट करने के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, पहले ए का हम क्या करेंगे, बाइनरी में जो लिखते हैं वो बाइनरी में, 5 का हम पहले बाइनरी लिखेंगे। तो 5 का बाइनरी कैसे होता है, 1 होता है, 2 होता है और यहाँ पे 4, तो इतना ही में काम हो जाएगा। 5 का बाइनरी क्या होगा, 5 का बाइनरी मेरा हो जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे मेरा 0। ठीक है, और यहाँ 7 का बाइनरी लिखे, तो 7 का बाइनरी क्या होगा मेरा, यहाँ पे 1 1 1, ये मेरा क्या हो गया, 5 और 7 का बाइनरी हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सोर लिए हैं, तो एक्सोर में क्या होता है, एक्सोर में होता है दोनों अगर डिफरेंट है तो वैल्यू 1 होगा और सेम है तो 0। तो यहाँ पे देखिएगा, दोनों यहाँ पे डिफरेंट है तो यहाँ पे 1 होगा, बाद बाकी सब जगह 0। तो ये दोनों का हम एक्सोर लिए तो क्या होगा, ये दोनों का हम एक्सोर लिए तो मेरे पास आंसर आया 2, मतलब इसका आंसर मेरे पास आया 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक्सोर लेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर ए एक्सोर बी। अब हम लिखेंगे क्या, b बराबर ए एक्सोर बी, यहाँ पे देखिएगा ये मेरा बिट वाइज ऑपरेटर है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या किए हैं, b बराबर ए एक्सोर बी लिखे फिर, तो यहाँ पर क्या होगा, a का वैल्यू मेरा क्या है, a का वैल्यू मेरा अभी क्या है, a का वैल्यू मेरा 5 है, नहीं 5 नहीं, यहाँ पे देखिएगा a का वैल्यू अपडेट हो गया, a का वैल्यू अपडेट हो गया मेरा 2 हो गया, तो a का वैल्यू अपडेट हो गया 2 गया, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे 2 का लिखिए। अब यहाँ लिखेंगे 2 का बाइनरी में, तो 2 का बाइनरी क्या होगा, 2 का बाइनरी यहाँ पे देखिएगा सिंपल, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ सब में 0, तो ये मेरा 2 का बाइनरी हो गया। अब 2 का बाइनरी होगा तो मेरा क्या, बी का भी बाइनरी चाहिए, तो बी का बाइनरी मेरा क्या है, बी में वैल्यू क्या है, बी में वैल्यू मेरा है 7, तो यहाँ पे 7 लिखे, 7 का बाइनरी मेरा होता है। अब यहाँ पे दोनों का एक्सोर लीजिए, तो दोनों का एक्सोर लेंगे तो क्या होगा, दोनों का एक्सोर लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा दोनों का कहाँ डिफरेंट है, तो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी सब जगह सेम है, तो ये दोनों का हम बाइनरी में एक्सोर लिए तो क्या आ गया, आंसर मेरा आएगा क्या, 4 + 1, मतलब 5 यहाँ पे आंसर आया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब ए बराबर बी में, तो मेरा देखिए बी में मेरा स्वैप हो गया, बी में मेरा 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अगला काम कार्य करेंगे, फिर से हम स्वैप करेंगे, मतलब फिर से हम यहाँ पे एक्सोर लेंगे ए बराबर ए एक्सोर बी, तो ए एक्सोर बी लेंगे तो अब यहाँ पे देखिएगा ए में मेरा क्या है वैल्यू, ए में मेरा वैल्यू है 2, तो 2 का बाइनरी ये हो गया,
बी में क्या है वैल्यू मेरा, बी में मेरा वैल्यू मेरा है 5, तो बी का बाइनरी क्या हो जाएगा, बी का बाइनरी मेरा हो जाएगा यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 1, ठीक है। अब इसका एक्सोर लीजिएगा तो क्या होगा, इसका एक्सोर लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा सब जगह डिफरेंट है, तो सब जगह डिफरेंट है तो सब जगह 1 हो जाएगा, बाद बाकी सब जगह 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका कैलकुलेट करिएगा तो इसका आंसर मेरा आएगा 7 आ गया। तो देखिए ए और बी में क्या हो गया, वैल्यू अपडेट हो गया, अपडेट मतलब स्वैप हो गया, दोनों में जो वैल्यू था वो अपडेट हो गया। तो इसी को हम प्रोग्राम के जरिए कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख चलिए प्रोग्राम लिखते हैं इसका, हैशटैग इंक्लूड stdio.h एंड मैन उसका करली ब्रैसेस। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, दो नंबर का स्वैप करना था, दो नंबर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे दो नंबर हम मान लेते हैं ए बराबर इंट, ए बराबर 5 और बी बराबर 7, बस मान लिए हैं आप। यहाँ पे प्रिंट या फेस करना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप वैल्यू ले लिए तो डायरेक्ट स्वैप करेंगे, तो स्वैप कैसे करेंगे हम, यहाँ पे स्वैप करने का हमें ये मेथड क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सोर ऑपरेटर का यूज करेंगे, ए एक्सोर बी लिखेंगे पहले, उसके बाद क्या करेंगे फिर से हम क्या करेंगे बी में अपडेट करेंगे ए एक्सोर बी, मतलब यहाँ पे तीन बार हम एक्सोर ऑपरेटर लगा रहे हैं। अब यहाँ पे ए बराबर क्या करेंगे ए एक्सोर बी, यही कर रहे हैं। यहाँ पे प्रूफ आपको बता दिया है कैसे हो रहा है, आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लेकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ ए इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा बी इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे ए और बी को वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न 0, यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस मार। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा यूजिंग विदाउट यूजिंग अर्थमेटिकल ऑपरेटर, ये मेरा स्वैपिंग का प्रोग्राम हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये आपको एक्स्ट्रा में मिल गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आप फिर से आप अपने से एक जोर ऑपरेटर लेकर देख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।